हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फर्स्टलिप चैनल में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उसकी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा सेवंथ के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, प्रशिक्षण मानसिक विकलांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। बी है कालानुक्रमिक आयु अपन मानसिक आयु इंटू 100। सी है कालानुक्रमिक आयु इंटू मानसिक आयु इंटू 100, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होता है एम ए अपॉन सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि पाएंगे, वो कितना होगा? तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो अगर हम निकालेंगे तो एम ए कितना है, मानसिक आयु इसकी मानसिक आयु 18 अपॉन 15 इंटू 100, ठीक है। अब जी कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 5 5 2 10, 120। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औसत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, छीण बुद्धि वाले छात्र, सृजनशील छात्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, विने ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, इसका अर्थ है कि वह एक छीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं केवल खेलकूद में, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में, ये सभी। तो दोस्तों एक पेडागॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा केवल शब्द आया था साइकोलॉजी में, पेडागॉजी में, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कई प्रकार के कौशलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? कैटिल ने, विनय ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने। तो इसका जो राइट आंसर सबसे पहले किया था वो है ऑप्शन डी, स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइट संबंधित है मानसिक विकार के समझने की एक सामान्य योग्यता, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, अनुभव अधिगम,
तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, डी है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टलाइट जो होता है अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था, विनय ने, स्पीयरमैन ने, जीन पियाजे ने, स्टर्न ने। तो स्पीयरमैन ने किया था इसका द्विकारक सिद्धांत का। कारकों के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, जी बी वॉटसन, विलियम वुड, स्टर्न एम जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टर्न एम जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है, 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 4 से 14 वर्ष, 2 से 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो स्टैनफोर्ड विनय स्केल टेस्ट है वो हमारे 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम हैं, सक्रिय, सूचना सामग्री, उत्पाद, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है असमान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगा, बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को, साइमन को, विनय को, स्पीयरमैन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रकार नहीं है, इसमें हमें निकालना है एक नेगेटिव चीज़। 3 तो बुद्धि के प्रकार हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो बुद्धि का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए मानसिक बुद्धि, ऑप्शन टू मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो सबको पता है मूर्त बुद्धि भी होती है, सामाजिक बुद्धि भी होती है, अमूर्त बुद्धि, लेकिन मानसिक बुद्धि ये कुछ नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बिल्कुल सही है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, बिल्कुल राइट, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है, बिल्कुल सही है, लेकिन बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, विधि थोड़ी नहीं है कुछ भी, बुद्धि तो एक ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है ना, तो विधि नहीं है जी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है, फिर नेगेटिव आ गया, शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण का करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है, छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरणा में अंतर,
छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की बुद्धि में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। उपयुक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। ऑप्शन सी, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। ऑप्शन डी है, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर होने के नाते हमें क्या व्यवहार से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए हमें। ऑप्शन इसका बी, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी, थॉर्नडाइक ने, रॉयवर्ड ने, कॉलविन ने, थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि से सामंजस्य करना सीख लिया है, इसकी परिभाषा जो दी थी वो है कॉलविन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। नेक्स्ट है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म, हाँ ये आ गया है बिल्कुल, कुछ कई तत्वों का समूह होती है और एक सेकंड, ठीक है मुझे लगा एक ही क्वेश्चन डबल हो गया क्या, नहीं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य विद्यमान होते हैं, क्रियाओं के प्रमुख तत्व होते हैं। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, सभी प्रकार के, लेकिन दोनों के ऑप्शन सेम ही हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनके ऑप्शन दोनों के
सेम है। तो पहले वाले में तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक था, इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फर्ट बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? मानव प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क एवं अंकित जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क एवं अंकित जैसे मानसिक कार्यों को। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।